दिए दिए का विरोध है, रोशनी का विरोध है, आलोक का, प्रकाश का, ज्योति का, यह भाजपा विरोध का फोबिया है। यह बात आपने सही कहा कि मैं दीपक का ही आलोक हूं जिसके जिससे जो है प्रकाश चलता है, आप समझ ही गए। और दीपक जी और सुनील जी और आप सभी का जो है अभिनंदन करता हूं। अमिताभ जी एक देश में परिपाटी है, एक स्वयंभू विरोध है। आप कुछ भी करिए, आप अगर दिन को दिन भी कहेंगे तो कुछ लोग रात कहने वाले मिल जाएंगे आप, तो कहीं पे दिए जलेंगे आज रात में और कहीं पे दिल जलेंगे आज रात में, दोनों ही का स्वागत है। क्योंकि आज का जो समय है वो उत्साहवर्धन का है, देश को कैसे एक साथ खड़ा किया जाए, जैसे हम नेशनल एंथम में 26 जनवरी को होती हम खड़े होते हैं। लेकिन सीधी सी बात यह है अमिताभ जी कि हमको एकजुटता का परिचय देना है उन स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, उन सफाई कर्मियों के लिए, उन प्रशासन के उन अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए, उन पुलिस के कर्मचारियों अधिकारियों के लिए जो दिन रात देश में देश हित के लिए दिन रात प्रयास और परिश्रम कर रहे हैं। हम अपना योगदान घर पर रहकर दें, हम उनका उत्साहवर्धन दीपक जला के करें, हम उनका उत्साहवर्धन तालियां बजा के करें, हमें उनको उत्साहवर्धित करना है। साथ ही साथ हमको जो लोग घरों में क्वारंटाइन है, अपने घरों में बंद है, आज हम लोग कम से कम करीब 15 दिन होने को आ रहे हैं, क्योंकि एक दिन नेशनल जो था कर्फ्यू जनता कर्फ्यू था, 3 दिन मुख्यमंत्री जी ने दे दिया था, उसके बाद 21 दिन का प्रधानमंत्री जी ने दिया है। तो हम कैसे इकट्ठे हों, कम से कम जो हर कॉलोनी में, जैसे मैं जहाँ रहता हूँ वहां पे 37 अपार्टमेंट है, तो अगर हम 37 अपार्टमेंट के लोग एक दूसरे से नहीं सोचते ना बात कर पाए, लेकिन जब हम 9 बजे खड़े होंगे तो एक सामूहिक स्वर निकलेगा उससे कि हम सब देश के साथ में है, हम सब देश के साथ खड़े हैं, प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं। सिर्फ यही मैसेज देना है हमको, बाकी मशीनरी काम कर रही है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको देश के साथ खड़े होकर के एकजुटता का प्रदर्शन करना है। आप देखिए अमेरिका में देखिए, इटली में देखिए, कैसे लोग स्वागत करते हैं वहां के जो स्वास्थ्य कर्मी है, वहां के पुलिस कर्मी है, वहां के सफाई कर्मी है, उनका स्वागत कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। एक सवाल और भी खड़ा होता है, हमें अपने प्रधानमंत्री आलोक अवस्थी ही एक सवाल और भी खड़ा होता है, हम जरूर सफल होंगे। भाई आपने कहा थाली क्यों बजाई, थाली क्यों पिटवाई, आपने कहा आप दीपक क्यों जलवा रहे, देश को अवसाद में जाने से, एक मिनट, देश को अवसाद में न जाने दिया जाए, देश अवसाद में न जाए, जो बड़ी कड़वी सच्चाई है, कोरोना से ज्यादा बड़ा संकट अवसाद है, उसमें देश ना जाए, इसके लिए एक समझ आई कि भाई सब लोग ताली बजाओ, थाली बजाओ, दूसरी समझ आई दीपक जलाओ एक साथ। आप जो लोग इससे असहमत है वो दूसरा मॉडल क्यों नहीं बताते देश के सामूहिकता के लिए, वो ये बताए छाती बजाओ, छाती पीटो तो अवसाद नहीं होगा, तो चलो छाती पीट लेते, नहीं आलोक जी नहीं, अमिताभ जी छाती बजाने वाले भी बहुत सारे हैं, आप देख ही रहे देश का एक तबलीगी जमात ने क्या हालत कर दिया है। आज देश की जो पॉजिटिव है कोरोना उसमें 1/3 से अधिक 35% लगभग जो है इन लोगों ने जो है देश में विस्तार किया है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश का हमारे पास आज आंकड़ा है अमिताभ जी, उत्तर प्रदेश में 275 में 138 खाली तबलीगी जमात के, आप क्या कहेंगे, हम और आप चाहे कितनी मेहनत कर ले, अगर लोग गुमराही की दिशा में आगे बढ़ेंगे और इस तरीके का व्यवहार करेंगे तो इस देश को भगवान ही बचा सकता है, मैं नहीं समझता कि इसको कोई इंसान बचा सकता है। सभी को एक साथ आना चाहिए, इस ये सामूहिकता का समय है, एक निर्णय जो लिया गया है देश हित में आपकी जान के लिए लिया गया है। जो तबलीगी जमात के लोग हैं वो मस्जिदों में घूम रहे हैं, अपने समाज के बीच में घूम रहे हैं, उनको सामने आना चाहिए, बताना चाहिए, उनका इलाज होगा, उनका कोई जेल में नहीं डाल देंगे हम, इलाज कराना चाहे महाराज, वहां लड़ाई इस बात की इलाज नहीं कराना, जिनको पकड़ के क्वारंटाइन में ले भी गए वो दवा नहीं खा रहे, अब उसका तो कोई इलाज नहीं ना, इस मानसिकता का इलाज नहीं हो सकता। कोरोना की वैक्सीन आ सकती है, मानसिकता सुधारने की वैक्सीन नहीं आ सकती कभी, ये जान लीजिए।